आप बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, तो किस आधार पर बोलते हैं आप कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? क्योंकि आपका जो एससी समाज है, सिर्फ वही एससी समाज बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करता है अधिकांश, है ना? उसमें एसटी और ओबीसी की जो है वो सपा में भी है ओबीसी, तो किस आधार पर आप बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी 2019 के अंदर, जबकि बहुजन समाज एकजुट होने को तैयार नहीं हो रहा है? तो क्या एंगल है, क्या दृष्टिकोण है आपका, वो बताएं इसके अंदर कि आप किस आधार पे बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती की सरकार 2019 में बनेगी? जी देखिए सुरेंद्र जी, ये जो राजनीति का खेल है जी, ये नंबरों का खेल है जी। जिसके ज्यादा नंबर होते हैं जी, वो मतलब जो है राजनीति में सफल होता है जी, और जिसके पास नंबर कम होते हैं वो राजनीति में डिफीट करता है जी। तो अभी हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी दो पार्टी तो है नहीं जी, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इसमें खेल कराया जाता है जी, कुछ खेल होता कराया जाता है जी। तो जैसे बहुजन समाज है जी, बहुजन समाज की आबादी जो काशीराम साहब ने बताई और जो मैंने डेटा दिया अभी, इसके हिसाब से भी आपने देख लिया होगा कि 85% आबादी है। तो 85% जो आबादी है, तो उसका जो वोट होगा जब इकट्ठा हो जाता है 85% का, 85% में से अगर 50% भी वोट इकट्ठा हो जाता है तब भी सरकार बन जाती है। लेकिन 50% पूरा 85% तो पूरा एक नहीं हो सकता, ये सभी जानते हैं। उसमें चौके विभिन्न राजनीतिक दल भी बने हुए हैं बहुजन समाज के अंतर्गत, उनमें वोट बढ़ता भी है। बढ़ने के साथ साथ इनकी जो सवर्ण समाज है, जो अभी आरक्षण दे रहे हैं सवर्ण समाज के लिए, इस सवर्ण समाज की दो प्रमुख पार्टियां हैं, जो कांग्रेस और जिसको भाजपा के नाम से जाना जाता है जी। और बारी बारी से ये सत्ता में भी केंद्रगी में रही है जी। तो एक हटती है तो दूसरी आ जाती है। उस समय तक उन्होंने, काशीराम साहब ने ये कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, तो इसलिए जब भाजपा की सरकार नहीं बन रही थी, जब वाजपेयी जी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, उसने भी उन समय उन्होंने कहा था कि अब समय चला गया कि किसी एक दल की सरकार भारत में बनेगी, अब लोगों को गठबंधन की संस्कृति में सरकार बनाने की आदत डालनी चाहिए। और उन्होंने भी एक गठबंधन की शुरुआत करी थी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो आज जो है उन्होंने देखा कि भाई बन नहीं सकती बीजेपी की सरकार जी। क्यों नहीं बन सकती? चूंकि काशीराम ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, तो उन्होंने सोचा कि भाई बहुजन की बात कैसे होगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुजन का चेहरा ढूंढा कि बहुजन का चेहरा कहाँ से लाया। तो मोदी जी जो है उनको ओबीसी के नाम से प्रोजेक्ट किया गया कि ये ओबीसी के चेहरा है और ओबीसी जो बहुजन समाज का एक अंग है, तो इसलिए उनको प्रोजेक्ट किया गया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और ये अपने ओबीसी समाज से आते हैं और इनको हम प्रोजेक्ट करते हैं जी, तो ये जरूर इनके लिए वोट मिलेगा जी। उनको प्रोजेक्ट किया गया पूरी तरह से जी। और जो कॉरपोरेट घराने हैं उन्होंने भी प्रोजेक्ट किया, उनकी मार्केटिंग की गई अच्छी तरीके से जी। और 2014 में वो बहुजन समाज के उनको बड़े पैमाने पर वोट मिले और वो जब प्रधानमंत्री बने थे वो सवर्णों के वोट से प्रधानमंत्री नहीं बने जी, बल्कि बहुजन समाज के वोटों से वो प्रधानमंत्री बने थे जी। इसलिए उसका इतना नुकसान हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जी, वो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उसको जीरो से संतोष करना पड़ा, जीरो सीट पर पहुंच गए। और उनकी जो समाजवादी पार्टी है जी, वो भी काफी नीचे गिर गई जी। लेकिन अगर ये दोनों मिले होते उस समय 2014 में जी, तो उनका वोट मतलब अभी भी बीजेपी से ऊपर है और पहले भी बीजेपी से ऊपर था जी। तो उनको दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये दोनों मतलब अलग अलग लड़ेंगे कांग्रेस और भाजपा जी। तो निश्चित रूप से ये जो गठबंधन है बहुजन समाज का जी, चाहे बिहार का हो चाहे, अब जैसे आप हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा में शेड्यूल का 26% है, जाट जो 28% और अन्य ओबीसी और हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो कैसे वहां बीजेपी और कांग्रेस जीत सकती है बताइए। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इकट्ठे हो जाए तब भी नहीं जीत पाते बहुजन समाज से। और बहुजन समाज पार्टी के दल तो बहुत हैं लेकिन उनके पास वोट किसी के पास नहीं है जी। तो वोट जो सबसे बड़ी पार्टी है तीसरे नंबर की इस समय राष्ट्रीय पार्टी जी, वो पूरे देश के अंदर अभी भी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बाद में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी भी है जी। और बहुजन समाज की भी सबसे बड़ी पार्टी है जी। मतलब राष्ट्र की भी सबसे बड़ी पार्टी है और बहुजन समाज की भी सबसे बड़ी पार्टी है जी। तो उनके पास में बहुजन समाज के पास में वोट देने के लिए जो विकल्प है वो बहुजन समाज पार्टी और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है
क्योंकि अभी भी ओबीसी की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नेशनल लेवल पर हो जी। नेशनल लेवल पर खाली बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो ओबीसी की और दलित की जो जितनी पार्टियां हैं उसको अगर लीड कर सकती है कोई पार्टी, इसमें जो कैपेसिटी है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में, और किसी में लीडिंग कैपेसिटी नहीं है जी। इस आधार पर मैं कहता हूँ कि ये मतलब बहन जी प्रधानमंत्री बनना उनका स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक।